हमारे चैनल टीवी समाचार 24 को अभी सब्सक्राइब करें और तुरंत अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं। डायरेक्टर करण मेहरा और निशा रावल को लेकर सोशल मीडिया पर काफ़ी शॉकिंग खबर वायरल हो रही है। क्या है पूरी खबर बताते हैं आपको, लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टीवी समाचार 24 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें। भाई ये कपल यानी कि निशा और करण काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रहे हैं और अपनी लव स्टोरी के लिए जाने जाते थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इस टेलीविजन के कपल को किसी की नज़र लग गई है। जी हाँ, लेटेस्ट खबर ये है कि निशा ने एक कंप्लेंट फाइल की है, असॉल्ट कंप्लेंट, बीती रात यानी कि 31 मई को करण मेहरा के अगेंस्ट, और करण मेहरा को अरेस्ट भी किया गया। खबरों की मानी जाए तो करण को कस्टडी में लिया गया और उनका स्टेटमेंट दर्ज कराया गया। जानकारी देना चाहेंगे आपको कि पहली बार ऐसा हुआ है कि निशा ने कोई कंप्लेंट फाइल की है करण के अगेंस्ट। ऐसा भी कहा गया है कि इन दोनों की डिवोर्स प्रोसीडिंग्स हो रही हैं फैमिली कोर्ट में। मंडे नाइट को एक डोमेस्टिक डिस्प्यूट के चलते ऐसा कहा गया कि करण मेहरा ने अपनी वाइफ को, निशा को, पुश किया है अगेंस्ट द वॉल और उनकी गर्दन पर चोट आई है, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को अप्रोच किया है और एक FIR रजिस्टर हुई अंडर सेक्शन 336 एंड 337 ऑफ इंडियन पीनल कोड। ये बताना चाहेंगे आपको कि इनकी शादी नवंबर 2012 में हुई थी और दोनों की शादी को लगभग 8 साल हो चुके हैं और इनका एक 4 साल का बेटा भी है। करण मेहरा और निशा ने साथ में काम भी किया हुआ है। जी हाँ, ये नच बलिए में नजर आए थे और किचन चैंपियन में भी दिखाई दिए थे। क्या कहना चाहेंगे आप इन सब पर, हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन के जरिए अपनी राय जरूर बताएं और ऐसी अपडेट्स के लिए जुड़े हमारे चैनल टीवी समाचार 24 के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल टीवी समाचार 24 को अभी सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन भी दबाएं।